यहाँ किसानों के लिए अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है। कृषक उन्नति योजना 12,000 करोड़ का प्रावधान, अब छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा 3100 रुपये धान का दाम। किसान भाइयों, कल 5 फरवरी से छत्तीसगढ़ में बजट सत्र शुरू हो गया। सदन के पहले दिन की कार्रवाई के दौरान मंत्री ओपी चौधरी जी का उन्नति योजना को लेकर जवाब सामने आया है, जानेंगे आज के इस वीडियो पे, तो भाई पूरी वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए किसान भाइयों, शुरुआत से शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के किसान अन्नदाता से समर्थन मूल्य पर जो धान की खरीदी है 4 फरवरी 2024 तक चली और 5 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र शुरू हुआ। सदन के पहले दिन की कार्रवाई के दौरान जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी से पूछा गया कि धान के अंदर की राशि किसानों को कब दी जाएगी, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहे कि वित्तीय अनुपूरक बजट में कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को अंतर की राशि के भुगतान के लिए 12,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जल्द ही किसानों को अंतर की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। आप अब इसी अनुपूरक में जो आज तृतीय अनुपूरक प्रस्तुत किया गया वर्ष 2023-24 के लिए, इसमें जो कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है जो अनुपूरक आज प्रस्तुत हुआ है। तो बहुत जल्द हमारे किसान भाइयों को भी कृषक उन्नति योजना का लाभ मिलेगा। तो चलिए किसान भाइयों, आप सुन रहे थे मंत्री ओपी चौधरी जी को। किसान भाइयों, आप सभी लोगों को पता होगा सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों से वादा किया गया है कि 3100 रुपये धान का दाम किसानों को दिए जाएंगे। किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब उनके बैंक खाते पर 3100 रुपये यानी कि धान के समर्थन मूल्य के भुगतान के बाद जो अंतर की राशि बची है उसको कब पैसे ट्रांसफर करेगी। कृषि किसानी योजना से जुड़ी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारे वेबसाइट ethachhattisgarh.in पर भी पल पल की जानकारी मिलता रहता है। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे वेबसाइट को भी जरूर से विजिट कीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। साथ ही YouTube के माध्यम से डेली अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहेंगे, तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब जोर से करके रखिए। छत्तीसगढ़ में खेती किसानी योजनाओं को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपना विचार और राय भी नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार।